बिहार के शेखपुरा नगर के जिला सीपीआई कार्यालय कार्यानंद शर्मा भवन स्टेशन रोड शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। देश के अंदर किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार आमदा है। किसान लगातार 9 महीने से आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलनकारियों से उसके समस्याओं को ना सुनकर आंदोलन को कुचलने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दी है। किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। शेखपुरा जिला सीपीआई समेत राज्य और देश के अंदर एकताबद्ध होकर 25 सितंबर को देश भर में आचार संहिता को पालन करते हुए भारत बंद करने का फैसला हम लोग किसानों के आंदोलन के साथ हैं। साथ ही साथ पूरे देश के अंदर तमाम मजदूर संगठन 24 सितंबर को आम हड़ताल करेंगे। आंदोलन को भी शेखपुरा समेत पूरे देश भर में सीपीआई के तमाम कार्यकर्ता समर्थन करते हुए लागू करवाने के लिए काम करेंगे। खासकर शेखपुरा जिले के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जनता के हितों के लिए काम करते रही है। आज भी हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। हमने पिछले दिन जिला परिषद की बैठक रखा, उसमें मूलतः इस जिले के अंदर किसानों के सवालों को गहराई से अध्ययन किया। हम लोगों ने ये समझा कि जिले के अंदर खाद का जो कालाबाजारी हो रहा है, हम लगातार जिला प्रशासन से मांग पत्र देकर के मांग करते रह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप इस पर लगाम लगाएं, लेकिन धाक का 3 पात हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। किसानों का आप देखेंगे व्यापार मंडल में विश्वमान के सामने बड़ा रूम के अंदर चौकी है, चौकी के नीचे बाल बच्चा सोता है, उसके ऊपर बाप भाई सोता है और फिर चौकी पर भी चौकी लगा करके सोने के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों के हित को भी रख रही है। अभी तो पंचायत चुनाव आया है, हम लोग शेखपुरा के अंदर पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से तय किया है कि बीजेपी को छोड़ के तमाम विचारधारा वाले लोगों को जोड़कर एक अभियान चलाएंगे और यहाँ खास करके सभी दलों के लोगों से बात करके सभी जिला परिषद से सभी मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच वार्ड और पंचायत समिति और पंच तक उतारेंगे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है। हमारे सामने राज्य से संवाददाताओं को, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप शेखपुरा के हमारी पार्टी के प्रेस वार्ता में आते रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं और हम जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उसमें लेखनी के द्वारा आपका समर्थन मिलता रहा है। मित्रों, देश बड़ा संकट में, संकट का आलम यह है कि 3 कृषि काले कानून के खिलाफ 9 महीनों से देश के किसान दिल्ली के चारों सरहद पर लाखों लाख की संख्या में हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 3 किसानों का काला कानून वापस किया गया और अभी 26-27 को सिंधु बोर्डर पर देश के किसानों का सम्मेलन हुआ और निर्णय लिया गया कि इस किसान के काला कानून के खिलाफ पूरे देश में राज्य के अंदर बड़ी रैलियां करेंगे, जिलाओं में करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता को आगाह करेंगे कि बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की हुकूमत आज 9 महीने से इस काला कानून को वापस कर रही है और 25 सितंबर को भारत बंद का कॉल किया है। हमारी पार्टी पूरे देश में, बिहार में, शेखपुरा के बाकी तमाम भारत बंद का समर्थन करती है और किसान आंदोलन की एक जुटता है। अभी पंचायत चुनाव है,
आचार संहिता है, हम आचार संहिता का पालन करते हुए भारत बंद को सफल कर। आप देख रहे हैं देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हुई, आज पहला कोरोना रहा, दूसरा कोरोना, अब तीसरे की आशंका जाहिर की जा रही। पूरे देश में, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया।